नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पीएम पिक्सेल्स और मेरा नाम है अंबिका प्रसाद मिश्रा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तिरुपति बालाजी के कुछ अनसुलझे रहस्य जो आप नहीं जानते। तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। और दोस्तों अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया है या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेकेंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। दोस्तों समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति में स्थित वेंकटेश्वर मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। वेंकटेश्वर मंदिर को दुनिया में सबसे अधिक पूजनीय स्थल कहा गया है। विश्व के सर्वाधिक धनी धार्मिक स्थानों में से एक यह स्थान भारत के सबसे अधिक तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। इन्हें सात पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय से उत्पन्न इस मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। आपको बता दें कि जो भक्त व श्रद्धालु वैकुंठ एकादशी के अवसर पर यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं उनके सारे पाप भी धुल जाते हैं। ऐसे ही मान्यता है कि यहाँ आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों मंदिर के विषय में कई रहस्यमय कथाएं प्रचलित है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं तिरुपति मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें। दोस्तों वेंकटेश्वर भगवान की प्रतिमा से जुड़ा अत्यंत ही अचंभित रहस्य है कि उनकी प्रतिमा का तापमान सदैव 110 फारेनहाइट रहता है और प्रतिमा को पसीना भी आता है, जिसे पुजारी समय समय पर पोंछते रहते हैं। मंदिर के नियमों से जुड़ी एक अचंभित प्रथा है जिसके अनुसार मंदिर से 23 किलोमीटर दूर बसे गाँव के लोग ही इसके गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं तथा केवल इसी गाँव से भगवान के लिए फल फूल प्रसाद और भोग आदि आता है। दोस्तों अगर चमत्कार की बात करें तो पचाई कर्पूरम को किसी साधारण प्रतिमा पर चढ़ाने से वह पत्थर तुरंत ही चटक जाता है, लेकिन वेंकटेश्वर भगवान का चमत्कार यह है कि पचाई कर्पूरम को वेंकटेश्वर प्रतिमा पर चढ़ाने पर भी प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं होता है। मंदिर में स्थापित मुख्य प्रतिमा के पीछे का हिस्सा सदा नम रहता है। ध्यानपूर्वक सुनने पर यहाँ सागर की उड़ती लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। दोस्तों अगर इस मंदिर के महत्व की बात करें तो कहा जाता है कि वेंकटेश्वर मंदिर के स्वामी की प्रतिमा पर लगे बाल असली है। ये बाल बहुत ही मुलायम है तथा कभी उलझते या झड़ते नहीं है। मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर चढ़ाए गए फूलों और तुलसी के पत्तों को भक्तों में ना बांटकर मंदिर के पीछे बने कुएं में फेंक दिया जाता है। यही नहीं, इन पुष्पों तथा तुलसी के पत्तों को वापस मुड़कर देखा भी नहीं जाता है। दोस्तों हिंदू पंचांग 2019 में भी इसके बारे में बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों मैं आपको कुछ बता पाया हूँगा रहस्य बालाजी तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल एपीएम पिक्सेल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों आप सबसे अगले वीडियो में। नमस्कार।